नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 LG के अधिकारों को बढ़ाने एवं दिल्ली की चुनी हुई विश्व लोकप्रिय सरकार के अधिकारों को छीनने वाले लोकसभा में लाए गए बिल के विरोध में आज आम आदमी पार्टी कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे एवं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए विवेश यादव एडवोकेट के नेतृत्व में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी पदाधिकारी व सदस्यों ने रोड मार्च कर कानपुर देहात कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कानपुर देहात जिलाधिकारी को सौंपते हुए LG के अधिकारों को बढ़ाने संबंधित लाए गए बिल को वापस लेने की मांग की है। अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी कानपुर देहात जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर जन एवं लोकतंत्र विरोधी LG को और अधिकार देने व चुनी हुई विश्व की सबसे प्रिय दिल्ली सरकार के अधिकारों को काम करने वाला बिल लाई है, जो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है और आगे आने वाले समय में यदि लाया गया बिल वापस नहीं हुआ तो केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए विख्यात समाज सेवी युवा एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट विवेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश व प्रदेश में तानाशाही तरीके सरकार चलाने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जहां आम जनता त्रस्त है, वहीं सरकार व सरकार के प्रमुख लोग टूट घसोट में मस्त हैं, जिसे जनता बहुत ही अच्छी तरह देख रही है, जिसके तहत 2022 उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। विवेश यादव एडवोकेट ने समाज हितार्थ विचारधारा वाले लोगों को देश की भ्रष्ट व निष्क्रिय राजनीति को मिटाने व देश एवं प्रदेश में वास्तविक समाज हितार्थ सरकार बनाने हेतु आम आदमी पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले में प्रमुख आशुतोष पांडे, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी विवेश यादव एडवोकेट, सूरज सिंह यादव, सुनील यादव, विकास मिश्रा, प्रखर पाठक, मनीष कुमार, सतीश गोयल, संजय चित्रांसी, संजय मधुपिया, वैभव कुमार, बाबू सिंह यादव, पंकज दीक्षित, अशोक गुप्ता, अंकुर तिवारी, अजीत सिंह चौहान, उमाशंकर सक्सेना, विजय कुशवाहा, सत्या द्विवेदी, शिव सहाय दिवाकर, चेतना यादव, चेतन यादव, उदयभान राजपूत, शंकर सिंह नायक, ललित श्रीवास्तव, बहुल यादव पूर्व अध्यक्ष, आशीष गुलाटी, छात्र इकाई जिला अध्यक्ष अर्पित दुबे, उपेंद्र सिंह, सुनील पाल, हर्षित यादव, वीरेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कि जो लोग समाज हितार्थ अपनी विचारधारा रखते हैं वो राजनीति की मुख्य धारा में आए। कुछ भ्रष्ट लोगों ने, कुछ भ्रष्ट नेताओं ने, जो कि लोगों को राजनीति में धर्म के नाम पर, जाति के धर्म नाम पर लड़ा करके उनका राज करते हैं, राजनीति के नाम को गंदा कर दिया है। अच्छे लोग राजनीति का नाम सुन करके राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और जो भी लोग अच्छी विचारधारा रखते हैं वो निकल करके बाहर आएं। आम आदमी पार्टी अच्छी विचारधारा के लोगों को पूरा मौका देती है, जनता की सेवा करने का मौका देती है और अब ये वास्तविकता में समय आया है जब राजनीति के जो मायने हैं वो बदल जाएंगे। राजनीति राज करने का क्षेत्र नहीं है, राजनीति लोगों की सेवा करने का क्षेत्र है। ये लोगों को समझाना जरूरी है और अभी आने वाले जो हमारे पुराने नेता हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है कि राजनीति का मायने अब बदल रहे हैं और इनको रोका नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अभी जो आने वाला है, इसमें आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आपकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बिल्कुल तय है? देखिए, हमारा जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है पूरी ताकत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों क्षेत्रों में हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार 110% आएगी, क्योंकि जनता के छोटे छोटे बच्चे तक जो है वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को जानते हैं। मैं फिर एक बात दोबारा से कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी नेता का चेहरा ना जानती हो आम आदमी पार्टी का, लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा को जानती है और आम आदमी पार्टी की सरकार अवश्य ही आएगी। मेरा नाम आशुतोष पांडे है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ कानपुर देहात। अच्छा, आज ये जो आप गवर्नर महोदय के नाम आप जो ज्ञापन देने आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या उद्देश्य है, किस संबंध में आप ये ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, दिल्ली में कानून पारित हुआ है 2021 का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021, उसके तहत प्रयास किया गया है, ये तय किया गया है कि अब LG के जो पावर्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे और जो भी राज्य सरकार वहाँ निर्णय लेगी उसमें अप्रूवल अब LG का आवश्यक हो गया है।
तो अब प्रश्न ये बनता है कि अब हम अप्रूवल ले, हमारी सरकार अप्रूवल ले जनहितैषी कामों के लिए, और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर जो बैठा हुआ है वो केंद्र का व्यक्ति है, मतलब कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम निर्णय लेंगे और हम फाइल देंगे उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उनकी अनुकंपा पर यह निर्भर करेगा कि हम अपनी नीतियों को लागू करें कि ना करें। तो फिर केंद्र सरकार ये क्या तय करेगी, चुनी हुई सरकार के दायित्व तो क्या हो, हम उसका विरोध करते हैं। और पूरा विरोध इस बात का है कि सरकार जो केजरीवाल जी की चल रही है उसको स्वतंत्र किया जाए।